भैया भैया बहुत भूख लगी है। छोटे मैं जानता हूँ तुझे बहुत भूख लगी है, तो एक काम कर, तू यहीं पर रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? सर मेरा भाई बहुत दिनों से भूखा है, सर कुछ खाने को दे दो सर। अरे कोई निकालो इन भोसड़ी वाले भिखारियों को बाहर यहाँ से, पता नहीं ये साले कहाँ कहाँ से आते हैं मुंह उठाकर। इन सालों को तो बस मुफ्त में खाना चाहिए, बस खाना धरना है नहीं ने कुछ। नहीं सर मैं मुफ्त में खाना नहीं मांगा, सर मेरा भाई बहुत दिनों से भूखा है, सर उसके लिए आप थोड़ा खाना दे दीजिए। बदले में सर आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूँगा, सर मैं आपके होटल का सारा काम करूँगा, सर मुझे आपके हर काम मंजूर है, बस सर मेरे भाई के लिए थोड़ा सा खाना दे दीजिए। अबे चल निकल यहाँ से, अबे तेरे जैसे भिखारियों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। अबे तुझ जैसे भिखारियों का हम अपने होटल में रखने लगे ना तो चल गया फिर तो हमारा होटल, साले होटल बंद हो जाएगा हमारा तो ऐसे तुम्हारी वजह से। चल निकलो यहाँ से, साले भिखारी कहीं के, साले गरीब। अरे भाई हम इस वक्त गार्डन में क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, आजकल दिमाग में बहुत टेंशन हो रहा है इसलिए सोचा क्यों ना आज गार्डन में बैठा जाए। भाई सब मेरा छोटा भाई बहुत दिनों से भूखा है, भाई सब मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, भाई सब मैं अपने भाई को खाना खिला दूंगा, भाई सब जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, भाई सब मेरी मदद कर दो प्लीज। ओहो तो तेरा छोटा भाई बहुत दिनों से भूखा है और उसे खाना खिलाने के लिए तुझे पैसे चाहिए? अबे तू एक काम क्यों नहीं करता, 2-3 दिन तेरे छोटे भाई को और भूखा रहने दे, उसके बाद तो भाई साहब वैसे ही मर जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन बाद आके तू भी सुसाइड करके मर जाना, बस प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, पैसों की तो तेरी बात ही नहीं है। अरे भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भाई ये आदमी आपसे मदद मांग रहा है, आपको अपनी परेशानी बता रहा है और भाई आप ऐसी बातें कर रहे हो उससे? भाई जहाँ तक मुझे पता है भाई आप तो हमेशा लोगों की मदद करते रहते हो ना, भाई फिर आज ऐसा कि बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? बेकार की बातें? हाँ मैं कर रहा हूँ बेकार की बातें। नहीं नहीं तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, मैं कर रहा हूँ बेकार की बातें, क्योंकि भाई साहब कल तक के मैं इन गरीब बेकार लोगों के असलियत से अनजान था, अब मैं बता रहा हूँ जिस दिन तू जान जाएगा ना इनकी असलियत, तुझे भी इन लोगों से घिन आएगी और तब तुझे पता चल जाएगा कि मैं ये बेकार की बातें क्यों कर रहा हूँ। बेकार की बातें कर रहे, ये भाई को आखिर हुआ क्या है? भाई तो ऐसी बात कभी नहीं करते थे, भाई के साथ जो कुछ ना कुछ गलत हुआ है, वरना भाई तो ऐसे नहीं थे।